यकीन करो दोस्तों, यकीन करो दोस्तों, बिना कैरियर ना कोई इज्जत है ना कोई शोहरत। यकीन करो दोस्तों, बिना कैरियर ना कोई इज्जत है ना कोई शोहरत। तो मेहनत करो मेरे दोस्त, तो मेहनत करो मेरे दोस्त और अपने मंजिल तक पहुंचो। तो मेहनत करो मेरे दोस्त और अपने मंजिल तक पहुंचो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज मैं आप लोगों के बीच डिस्काउंट का तीसरा क्लास लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को YouTube, Facebook या फिर WhatsApp के माध्यम से शेयर अवश्य करें। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के क्लास का फर्स्ट वीट देखते हैं, आज के क्लास का हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। तो आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है वह रहा ये कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 320 रुपये है। देखिए सवाल आप भी लिखते चलिए मेरे साथ। मैं पहले ही बोला हूं कि अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं और स्टडी करने के मकसद से देख रहे हैं तो अपने साथ एक कॉपी कलम हमेशा तैयार रखिए और जिस सवाल को बोला जाए उसे आप नोट करते चलिए, ताकि वीडियो अंत होने के बाद इस टाइप के सवाल को आप अपने बुक से, जिस बुक से आप अध्ययन करते हैं उस बुक से सॉल्व करिए। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज का सवाल था किसी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है। इस वस्तु पर दुकानदार 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तथा वह अपने प्रत्येक वस्तु पर 20% का छूट देता है। तो बताएं कि दुकानदार इस वस्तु का क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक रखेगा। तो बताएं कि दुकानदार इस वस्तु का क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक रखेगा। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने इस टाइप के सवाल को सॉल्व किया था और बताया था आपको कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से रिलेटेड सवाल को आज फिर से देखते हैं। आपका सवाल क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार 20% लाभ कर कमाना चाहता है तथा वह डिस्काउंट 20% का देता है। तो बताएं कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक रखेगा। या इस सवाल को इस तरह भी बोल सकते हैं कि बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस वस्तु का हम अंकित मूल्य निकालते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, वस्तु का अंकित मूल्य होना कितना चाहिए, फिर देखेंगे कितना परसेंट अधिक रखेगा। तो अंकित मूल्य बराबर आप जानते होंगे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस टाइप के फॉर्मूले को या इस टाइप के फॉर्मूले किस तरह से तैयार किए गए हैं वह मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, डिस्काउंट के फर्स्ट वीडियो में बताया है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां आ गया हूं और इसका जो है अंकित मूल्य निकाल रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा डिस्काउंट का तो निश्चित रूप से पहला और दूसरा वीडियो देख लें। आज मेरा डिस्काउंट का इसमें लास्ट क्लास है, यानी तीसरा वीडियो है और लास्ट क्लास है, जरूरत हुई तो फिर मैं और वीडियो डालूंगा। चलिए तो अंकित मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो क्रय मूल्य के जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई, 320 गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दुकानदार कितना परसेंट लाभ चाह रहा है, 20% का। तो लाभ हमेशा प्लस में,
120 और डिस्काउंट 20 का 100 में से 20 घटा दीजिए, क्या हो गया 80। क्लियर है? अगर कटता है तो इसे कटा दीजिए, 8 चौका 32, 0 0 कट गए चार बार में, 12 × 4 बढ़ चौका 48, 1 0 है लिख दीजिए 480 रुपये। देखिए सवाल का अंकित मूल्य ही तैयार हुआ है, लेकिन मेरा सवाल था कि बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखेगा, या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंस निकालते हैं, क्रय मूल्य जो था वह आपका 320 था और अंकित मूल्य जो था वह कितना था आपका 480 निकला। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, इंक्रीज कितना कर रहा है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इंक्रीजिंग परसेंट, अगर इंक्रीजिंग परसेंट में दिक्कत हो तो कितना अधिक है, कितना इंक्रीज करता है वह निकाल लीजिए। तो इंक्रीजिंग परसेंट इंक्रीज कितना करता है, वह 480 में से 320 को आप घटा दीजिए। यह बताएगा आपको कि वस्तु का जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने रुपये अधिक है। तो 480 में से 320 को जब हम घटाए, 0 में से 0 गया 0, 8 में 2 घटाए 6, 4 में 3 घट गया, क्या बच गया 1, यानी 160 रुपये आपको अधिक रखना है। किससे, क्रय मूल्य से, किसके लिए, अंकित मूल्य के लिए। तो इंक्रीज कितना कर गया आपका 160, यानी 160 रुपये अधिक रहेगा। किससे 160 रुपये अधिक रहेगा, 320 से। तो डिवाइड बाय क्या, 320 320। चलिए और परसेंट लाने के लिए तो आपको पता है भाई 100 से गुना, कितना परसेंट पूछ रहा है। अब कटा दीजिए, ये दो बार में कट गया, 50 × 200 अर्थात कितना परसेंट अधिक होना चाहिए, 50%, यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से 50% अधिक होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम सवाल सॉल्व करें तो हमें ज्यादा समय लगेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एवी रूल पे, उसी रूल से वस्तु का प्राइस दिया हुआ रहे तो प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ देखना है कितना अधिक रखेगा। अगर हमें नहीं पता कितना अधिक रखेगा तो हम मान लिए क्या, प्लस एक्स। ये जो वैल्यू दिया है इस वैल्यू का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अधिक पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक रखेगा। अगर कितना रुपया रहता तो हम निकालते, यहां सिर्फ पूछा है कितना परसेंट, तो कितना परसेंट अधिक रखेगा नहीं पता, तो हम क्या मान लिए, एक्स परसेंट वह अधिक रखेगा। अधिक रखने के बाद वह 20% का क्या देगा, छूट देगा। देखिए डिस्काउंट आपको कर रहा था 20% डिस्काउंट देगा, तो प्लस ए माइनस बी, प्लस माइनस माइनस एक्स गुने 20 बाय क्या 100। जब कभी भी आपके सवाल में रहे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा तो आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एवी रूल पे आप सवाल को सॉल्व करिए। कितना अधिक है नहीं पता तो आप एक्स रख लीजिए, जो छूट है उसे रख दीजिए, फिर प्लस माइनस माइनस, अब इससे लाभ और हानि जितने का है वह लिख दीजिए। 20 का लाभ था, मैंने 20 लिख दिया। अब कटता है तो कटा दीजिए, 20 × 5 = 100। अब देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, अंक को किसके तरफ रखेंगे भाई, अंक के तरफ। अब क्या है, x माइनस एक्स बाय 5, 20 माइनस इधर आएगा तो प्लस 20 प्लस 20, 5 × x, 5x में से x घटा दीजिए, 4x/5 बराबर 20 20 40, इसलिए x बराबर 50%। देखिए आप जो इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कर रहे थे मैं बाय मेथड, उसे हम शॉर्ट में तुरंत सॉल्व कर सकते, हम इस मेथड का इस्तेमाल करके सवाल को तुरंत बना लेंगे, आपका जो इतना लंबा चौड़ा सवाल है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं कि किस तरह सवाल आता है और हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल जो है मेरा वह है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो था वह 720 रुपये है। इस वस्तु पर दुकानदार 10% का छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है। इस वस्तु पर दुकानदार 10% का छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ कितने परसेंट का,
20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताएं कि वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या है। देखिए अब यहां क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्ट वस्तु का क्रय मूल्य। हमें सवाल था किसी वस्तु का लागत अंकित मूल्य 720 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार 10% का छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है, बताएं कि वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या है। तो सीपी बराबर आप जानते हैं मेरे दोस्त, सीपी बराबर क्या, एपी इनटू, अब फॉर्मूला हम तो भूल गए। ऐसी स्थिति में क्या करें, जस्ट सोचिए कि दुकानदार के पास हम कोई वस्तु खरीदने के लिए गए हैं, दुकानदार हमें ये वस्तु दिखाएगा, दुकानदार हमें क्या करेगा, वस्तु को दिखाएगा, वस्तु दिखाने के बाद पहले वह छूट देगा या दुकानदार को पहले लाभ होगा। जैसे वस्तु दिखाएगा दुकानदार पहले क्या देगा आपको, छूट देगा। जब तक हमें छूट नहीं देगा हमें वस्तु नहीं खरीदना। तो हम उससे बोले भाई आप हमको छूट कितना दे रहे हो, तो जैसे छूट बताया अर्थात पहला काम दुकानदार हमको छूट देता है, जो हमें दिखा के देता है, देखिए भाई हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, बड़ा बड़ा फ्लेक्स बैनर में लिख देता है छूट 50%, 20%, 40%। तो जो चीज दिख रहा है वह हमेशा ऊपर होता है और जो छुपके किया जाता है वह काम तो नीचे हो। दुकानदार छूट दे के भी आपसे लाभ ले रहा है, तो पहले दुकानदार हमें छूट देता है तो हम पहला काम छूट देने का करेंगे। पहला छूट कितने परसेंट का है, 10% का है, 100 में से 10 घटा देंगे यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा। जैसे छूट दिया हम उसके फांसे में आ गए, लोभ में आ गए, वाह वो तो हमें छूट दे रहा है, सामान को खरीद लो, क्रय कर लो। तो जैसे मैंने सामान खरीदा दुकानदार को लाभ हुआ, तो जैसे मैंने खरीदा दुकानदार को प्रॉफिट हुआ, देखिए छुपके से नीचे आके उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जो दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है क्या डिस्काउंट, क्या कभी देखे फ्लेक्स पे लिखा हुआ दुकानदार 10% छूट दे रहा है, उसे 5% लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, वह सिर्फ आपको छूट दिखाता है, लाभ कभी नहीं दिखाता। तो जो चीज दिख रहा है वह ऊपर, जो नहीं दिख रहा है वो कहां लिख दिए, नीचे। तो चलिए अंकित मूल्य आपका क्या है, 720। पहले दुकानदार क्या दिया डिस्काउंट कितने का, 10 का, 100 में से 10 घटा दिए 90। जैसे छूट दिया सामान खरीदे हमें 20% का लाभ हो गया, तो 20% लाभ का अर्थ क्या, 100 प्लस 20 कितने का, 120। अब कटा दीजिए, या कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया, 540 रुपया। तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। सवाल पढ़िए और तुरंत इस स्टेप पे आइए और सीपी को निकाल दीजिए। अब देखिए दूसरा सवाल इसी टाइप का रहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1250 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1250 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार 25% लाभ प्राप्त करता है, इस वस्तु पर दुकानदार 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, इस वस्तु पे दुकानदार 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तथा वह अपने प्रत्येक वस्तु पर, तथा वह अपने प्रत्येक वस्तु पर 20% छूट देता है, तथा वह दुकानदार जो है अपने प्रत्येक वस्तु पर 20% छूट भी देता है। देखिए उसके दिमाग में जैसे सामान खरीद के लाया 1250 में, पहला काम या क्या सोच रहा है, हमको लाभ लेना है, कितना परसेंट का, 25% का। लेकिन कस्टमर को तो बेवकूफ भी बनाना है कि भैया हम तो छूट दे रहे हैं, देखो हम सब सामान पे 20% का छूट दे रहे हैं, तो वह इस वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपये रखेगा। तो सवाल क्या रहा है, वह इस वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपये रखेगा। देखिए सामान खरीद के लाया, जैसे सामान लाया उसके दिमाग में चल रहा है क्या, हमको तो 25% लाभ चाहिए, लेकिन ग्राहक को भी तो फंसाना है, ग्राहक को भी तो दिखाना है। तो ग्राहक को क्या दिखा रहा है कि हम जो सामान ले गए, मेरे घर में आओ, मेरी दुकान में सामान लो, हम तुम्हें 20% का छूट दे रहे हैं, हम तुम्हें 20% का छूट दे रहे हैं।
तो वह क्या किया, अंकित मूल्य जो एमआरपी लिखा हुआ है उसे क्या किया, बढ़ा के रखा। तो अंकित मूल्य कितना रखेगा, अंकित मूल्य बराबर आप क्या जान रहे हैं, सीपी इंटू पहले सामान लाए, लाने के साथ अब तो हम दुकानदार हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चल रहा है, कहीं कोई छूट नहीं चल रहा है। तो पहले क्या चल रहा था, प्रॉफिट। तो जो काम पहले चल रहा है उसे मैंने लिख दिया, जैसे ही लिखे 100%+ प्रॉफिट। अब ग्राहक को भी तो बुलाना है, ग्राहक को भी तो दिखाना है कि देखो भाई हम आपको छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितने परसेंट का दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 100 माइनस क्या, डिस्काउंट परसेंट। तो पहले दुकानदार लाभ चाहता है, अगर लाभ के बाद छूट चाहता है। तो क्रय मूल्य क्या था आपका, 1250 गुने 100 प्लस क्या प्रॉफिट, देखिए 25 का लाभ चाह रहा था, तो हम क्या लिख देंगे, 125। और वह छूट जो दे रहा था वह 20% का दे रहा था, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 में से 20 घटा दीजिए 80, और कोई वह छूट नहीं दे रहा था। अब कटता है तो कटा दें, चलिए अब क्या, 125 गुने 125। अब देखिए 125 गुने 125 आप स्क्वायर निकालने के लिए सीखे होंगे, 125 तक का, इससे ज्यादा भी बताए हैं। अब हम बोलेंगे कि आपने स्क्वायर अभी तक नहीं निकालने के लिए सीखा है तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। तो आप अपडेट रहिए कि कैसे तुरंत जोड़ घटाओ गुना भाग होता है। तो 25 गुना 25 625 लिख दिए, 125 में 25 जोड़ दिए, 150 हुआ, 6 कैरी था, 15625 डिवाइड बाय क्या, 8। अब 15625 में किससे भाग देना है आपको, 8 से, दे के तुरंत वस्तु का क्या निकाल देंगे हम, अंकित मूल्य। तो चलिए मेरे साथ आप भी भाग दीजिए, 15 में पहले किससे भाग दीजिएगा, 8 से, 8 एकम 8, कैरी क्या बच गया, 7। अब 7 पर 6 76, तो 9 8 72, यहां 9 लिख दीजिए, हो गया 72। 4 76 होता है, 4 के लिए बचा होगा, फिर क्या 42, 8 5 40, 2 42, अब 25, 8 3 24, अब केड़ी क्या बच गया, 1, 8 एकम 8, 2 10 8 2 16, तो 2 अंक तक ही निकालना है, तीसरा अंक निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, अर्थात 1953.12 रुपये इस वस्तु का क्या होना चाहिए, अंकित मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं जोड़ घटाओ गुना भाग आया हम साइड में कर लिए, बिल्कुल नहीं। आप जो काम कर रहे हैं यही बोर्ड पे अपने कॉपी पे तुरंत मन से कीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दूसरा सवाल भी देखते हैं किस तरह का रहता है आपका। तो डिस्काउंट का ये जो है, आपको डिस्काउंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तीनों वीडियो डिस्काउंट का, 3 वीडियो मैंने डाला है, तीनों वीडियो देख लीजिए, आपका डिस्काउंट क्लियर, इसमें कहीं कोई डिस्काउंट नहीं है, टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। आप बुक निकालिए, डिस्काउंट चैप्टर को बना डालिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए सवाल है आपके लिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार 10% का छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है। इस वस्तु पर दुकानदार 10% का छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह छूट ना दे तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए सवाल क्या आ गया, सवाल आपका है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार 10% का छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि वह छूट ना दे, अर्थात उस वस्तु को अंकित मूल्य पे ही सेल कर दे,
तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम वस्तु का क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। अभी आप सीखे हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, सीपी बराबर क्या, एपी इंटू, सबसे पहले दुकानदार आपको क्या देगा, छूट देगा, कितने का, 10 का, 100 में से 10 घटा दीजिए 90। जैसे ही दुकानदार ने आपको छूट दिया वैसे दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, आपने सामान खरीदा नहीं उसका लाभ हो गया। लाभ कितने का, 20 का, 100। अब इसे हम कटा देते हैं, 30 दिया 90, 30 चौक 120, क्लियर है। अब देखते हैं कटता है तो 2 × 4 125, 2 × 2 = 250। अब इसको गुना कर दीजिए, 375 बाय क्या, 18 × 36। देखिए दुका दू करने से कोई फायदा नहीं था, डायरेक्ट अगर लग रहा है तो लगा दीजिए, 36, 137, 7 × 14, 1 × 15, 187 रुपये 50 पैसे। ये इस वस्तु का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। आप डायरेक्ट निकालने का हमेशा कोशिश करिए, छोटे छोटे खंड में नहीं, 2 से भाग दिया 18 × 36, 137 हुआ, 15 हुआ, 7 × 14, 1 केड़ी बच गया, 5 × 10, अर्थात इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 187 रुपये 50 पैसे। अब क्या करा, यदि छूट नहीं देता तो जो वस्तु 187 रुपये 50 पैसे का था, इस पे छूट जो था वह नहीं देता तो निश्चित रूप से वह उसे कितने में बेचता, 250 में। तो जो अंकित मूल्य है, जो वस्तु का अंकित मूल्य है, वही वस्तु का क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। वही वस्तु का क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 250। तो कितने का लाभ होता या कितने प्रतिशत का लाभ होता, देखिए वह ऑप्शन पे डिपेंड है, ऑप्शन परसेंट में दिया है, परसेंट में, रुपया में दिया है तो रुपया में। पहले मैं लाभ बता देता हूं फिर लाभ परसेंट बता दूंगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, आप प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आपका कितने का था, 250 में से क्या घटाइएगा, 187 रुपये 50। तो घटा दीजिए भाई, 250 में से 187 रुपये 50 पैसे, वो भी घटा दूं, आप घटा सकते हैं, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया 14, 14 में से 8 गया 6, अर्थात 62 रुपये 50 पैसे का आपको लाभ हुआ। और परसेंट में निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 डिवाइड बाय सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 187 रुपये 50। अब इसे मैं सॉल्व कर देना है, 2 अंक के बाद दशमलव यहां भी है, 2 अंक के बाद दशमलव यहां भी है। अब देखिए कटता है तो इसे हम कटा देंगे, कैसे कटाएंगे, ये जीरो कट गए। अब 25 × 25 625 होता है, हम डायरेक्ट 25 से कटा रहे हैं, और फिर ये 25 से कट जाएगा, 8 × 4 = 72, 3 × 75 बार में 25 दिया 75, और कितना आ गया, 100 बटे कितना, 3, अर्थात 33 पूर्णांक 1/3%। अगर वह छूट नहीं देता तो डायरेक्ट कितने परसेंट का लाभ होता, 33.1/3% का लाभ होता। अगर वह छूट नहीं देता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, 33.1/3% का। चलिए इस टाइप के सवाल में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, नेक्स्ट सवाल जो रहेगा आपका किस टाइप से रहेगा, चलिए ये सवाल रहेगा, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 20% का छूट देकर, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 20% का छूट देकर 10% लाभ प्राप्त करता है। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 20% का छूट देकर 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह छूट ना दे तो
तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए यहां सवाल में क्या है, कहीं किसी वस्तु का ना अंकित मूल्य है ना क्रय मूल्य, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हमें क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देकर, वह जो डिस्काउंट देता है वह 10% का है और उसे लाभ जो होता है 20% का होता है। चलिए तो सवाल मेरा एक बार फिर से कि एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम पीछे वाले क्वेश्चन से मैच करा रहे हैं, इसलिए मैच करा रहे हैं, वहां आपको अंकित मूल्य दिया है यहां अंकित मूल्य नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस इमेजिन करेंगे या तो वस्तु का एपी, किसी भी एक चीज को आपको मानना है। तो हम मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया। सबसे पहले एक वस्तु लाए जिसका की दाम माने कितना रुपया है, 100 रुपया। तब जैसे 100 माने हम वस्तु का क्या निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस, सेम सवाल सेम, इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा, सेम टू सेम आंसर, अंकित मूल्य रहे ना रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर मैं बताऊंगा कैसे आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सीपी निकालेंगे, एपी क्या 100 गुने 100 इंटू, पहले दुकानदार क्या करेगा डिस्काउंट देगा कितने का, 10 का, क्या हो गया 90, तो उसे लाभ कितने का 20% का, तो 100 + 20 कितना 120। अब 30 90 30 4 120, इसको कटा दीजिए, 25 4 100, 25 3 कितना हो गया। अब चलिए देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया, 75 आ गया, और वस्तु का जो आपका अंकित मूल्य था यही अंकित मूल्य किसमें चेंज कर रहा है, सेलिंग प्राइस में, क्योंकि क्या कह रहा है सवाल कि यदि दुकानदार छूट ना दे, यदि दुकानदार छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस जो है वह क्या हो जाएगा आपका, वही 100 रुपीज। तो प्रॉफिट भाई क्या, 100 माइनस सीपी 100 SP - CP क्या 75। 100 में से 75 को आप घटा दीजिए, क्या आया 25, और फिर लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 डिवाइड बाय सीपी आपका क्या था 75, जो निकाले हैं उसे आप लिख दीजिए, 25 3 75 अर्थात क्या 33.1/3%। आप सीपी रहे आपको एसपी रहे आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले वाले सवाल में सेम था कि वस्तु का आपको दिया हुआ था 1250 रुपये, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ ना रहे रहे कहीं कोई अंतर नहीं होने वाला है। आपका आंसर यही देखिए सेम टू सेम कि अगर वह छूट दे और ना दे तो कैसे बनेगा। तो सवाल ये आता है इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, बस डायरेक्ट एबी रूल पर बनाएंगे कि दुकानदार छूट ना दे अर्थात कितना अधिक रखेगा हमें नहीं पता, तो क्या मान लेंगे एक्स, कि वह एक्स परसेंट क्या रखेगा, अधिक रखेगा। तो इसे भी रूल का अर्थ, अगर इस तरह का सवाल रहे कि यदि छूट ना दे अंकित मूल्य पर ही क्या कर दिया जाए, सेल कर दिया जाए, तो हम जस्ट इमेजिन करेंगे वह कितना परसेंट अधिक, जो अधिक है क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य अधिक है वही तो लाभ है। जैसे 75 से हम 100 अधिक रखे, 75 से क्या रखे 100 को अधिक रखे, कितना अधिक रखे 25 अधिक रखे, यह जो 25 अधिक रखे रुपया में यही तो लाभ है। तो हम इमेज करते मानते हैं कि जो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को हम x परसेंट अधिक रखे थे, तो जितना परसेंट अधिक रखेंगे 100 के सामान को जितना अधिक में बेचेंगे वह लाभ होगा। तो हम ये सोचते हैं कि क्रय मूल्य से जो है अंकित मूल्य को x परसेंट अधिक रखा गया था, एक्स हो गया अधिक, तो दुकानदार छूट कितने का दे रहा था 10 का, छूट कितने का दे रहा था 10 का दे रहा था, तो प्लस माइनस माइनस एक्स गुने क्या 10 बाय क्या लिखना होगा हमें 100, जिससे हमें लाभ कितने परसेंट का 20% का लाभ हो रहा है, 20 लिख दिए। देखिए जो पैसा दिया था पहले वाले सवाल में या नहीं दिया है उससे कोई अंतर होने वाला हमें नहीं था, हम डायरेक्ट मान लीजिए जो x परसेंट अधिक रखा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को वही मेरा
लाभ है। तो एक्स अधिक रखा, माइनस दस का डिस्काउंट था, प्लस माइनस माइनस, एक्स गुने दस बाय क्या 100। अब ये जीरो कटेगा, परसेंट तो यहां लिखना है नहीं। चलिए अब एक्स को एक्स के तरफ, अंक को अंक के तरफ, एक्स माइनस एक्स बाय टेन बीस प्लस क्या हो जाएगा 10, 10 गुने एक्स, 10 एक्स में से एक्स घटा दीजिए, 9 एक्स बाय टेन इक्वल टू 20 और 10 का योग कितने हो गए 30, 3 तिया 9, 10 तिया 30, इसलिए एक्स बराबर 10 गुने 10 100 बाय क्या 3 अर्थात 33 पूर्णांक 1/3%। देखिए मैंने सेम सवाल रिपीट किया, पहला सवाल दूसरा और ये तीसरा, हम उस सवाल को भी इसी मेथड से सॉल्व कर देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप डिस्काउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल को सॉल्व करिए, हमने आपको डिस्काउंट का 3 वीडियो डाला, आप प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड डिस्काउंट को सॉल्व करिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब आप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पूर्णता पढ़ चुके हैं, आपको प्रॉफिट लॉस का भी 6 वीडियो मिला होगा और डिस्काउंट का 3 वीडियो, इन दोनों को देख लीजिए आप टोटल वीडियो, आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से शेयर एंड सब्सक्राइब करें।